आज की जो पत्रकार वार्ता व्यापार मंडल के मंच के तले हमने की है, तो इसके माध्यम से हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रशासन का कि जब हमने हड़ताल करी थी, बाजार बंद रखे थे, तो उसके बाद प्रशासन से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भी आप लोगों को क्या दिक्कत है। तो जो आम लोगों की दिक्कत थी, हमारी तो कोई दिक्कत नहीं, जो आम लोगों की दिक्कत थी हमने प्रशासन से अवगत कराया, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है कि जो साथ के साथ जेसीबी चल रही थी उसको बंद किया गया। उन्होंने कहा कि अब निशान लगा के 20 दिन का समय देंगे। अगर किसी व्यक्ति को ऑब्जेक्शन है कि मेरे साथ गलत हो गया, तो माननीय जिलाधीश महोदय से मिल सकता है, वो कहते हैं हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति समझता है कि मेरी कोई भी सुनवाई नहीं होती, वो अदालत से इसका स्टे ऑर्डर भी ला सकता है। तो जो इमीडिएट एक्शन हो रहा था जेसीबी का, उसको प्रशासन ने बंद किया। और उसके बाद हमने प्रशासन से ये मांग करी थी कि प्रशासन चाहता क्या है, कि क्यों अतिक्रमण को एकदम से अभियान चलाकर इसको छेड़ा गया और जेसीबी लाकर एक थोड़ी सी दहशत का माहौल क्रिएट हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम पैदल चलने वाले लोगों के लिए मार्ग बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा ये कदम स्वागत योग्य है, लेकिन अगर आप अतिक्रमण हटा दें, इतनी मेहनत करें, उसके बावजूद अगर आप इसका मार्ग ना बना पाए, तो ये फिर समस्या जस की तस हो जाएगी। इसके लिए एक बजट का प्रावधान करें, एक ब्लूप्रिंट तैयार करें। और मैं समझता हूँ कि साथ के साथ पैदल चलने का मार्ग भी है, वो भी प्रशासन बनाना शुरू करें, ताकि दोबारा कोई अतिक्रमण ना कर सके। इसी विषय में आज पत्रकार वार्ता थी, और आपके माध्यम से हम दुकानदार भाइयों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे आह्वान के ऊपर बाजार बंद रखा। जब हमारी प्रशासन से बात होगी, तो हमने 2 बजे बाजार खोलने के आदेश भी किए। उसके बाद प्रशासन ने हमारी बात को समझा, आम जनता की जो दिक्कतों को समझा, तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हम किसी के साथ जाति नहीं होने देंगे। तो इसी विषय के ऊपर आज हमने इस पत्रकार वार्ता का आयोजन किया था।